की वीडियो में प्रॉपर तरीके से कटिंग, बाजू वाला कटिंग जो चल रहा आजकल बर्फी वाला, वो बताएंगे। दोस्तों यहाँ पे पेपर पेस्टिंग हमने ले लिया है 14 इंची लंबाई और यहाँ पे हमारे 8.5 इंची चौड़ाई है, ठीक है। दो पीस कटिंग करना है, मैं आपको फोल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए आप ध्यान से। और आपको भी बाजू का कटिंग और कटवर्क बर्फी वाला डिजाइन का जो बाजू डिजाइन है वो आप बना सकते हैं अपने घर में इजीली। यहाँ हम एक एक बात आपको बारीकी से बताएंगे। पहले हमने इसको डबल कर लिया और उसके बाद फिर एक बार डबल कर लिया, ये 4 परत हमारा हो गया। यहाँ पे हमने लगा लिया स्टेपलर और स्टेपलर लगाने के बाद ये स्टेपलर लगा लेते हैं और स्टेपलर लगाने के बाद हम आपको बताएंगे कहाँ पर क्या करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और इसके बाद यहाँ पर हम 2 इंच का निशान लगाएंगे, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे जैसे आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको 2 इंच का निशान लगाना है और इसके जो बीच में जो सेंटर है यहाँ पे जो उठाव आएगा यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे इसको इस तरह से, देखिए इस तरह से यहाँ पे इसको मिला लेना है। और यहाँ पे देखिए 1 इंच का ये उठाव भी है, ठीक है। तो 1 इंची बीच में गैपिंग है जो उठाव है हमारा और बाकी ये बर्फी वाला डिजाइन है, 3 कट इसमें बनेगा, ठीक है। तो आपको इससे में से 2 इंच पर नापना है यहाँ पर और इसके बाद भी यहाँ पे 2 इंच रखना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ सेम इसी तरीके से आप करेंगे, आपका बाजू डिजाइन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कट के रेडी हो जाएगा और मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा कितना खूबसूरत और कितना बढ़िया लगेगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए जेन्युइन कंटेंट लेकर आता हूँ और उसके बाद जेन्युइन बात बताता हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। वीडियो पूरा देखिए जब भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अधूरा वीडियो मत देखिएगा प्लीज़, वीडियो को देखना है तो पूरा देखिए, तभी आपको बारीकी से मैं आपको समझा पाऊंगा, बता पाऊंगा सब चीज़, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा लाइट दोस्तों चेड मार रहा है, नहीं सही से बारीकी से दिख रहा है, लेकिन मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। आपको ऐसे 2-2 इंच रख करके आपको सेम इसी तरीके से कट कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से कट कर लेंगे। अब ये कट करने के बाद यहाँ से इसके बाहर हमें 1 इंची का मार्जिन लेना है और उसके बाद इसको 1 इंची मार्जिन छोड़ के इसे कटवर्क कर लेना है, इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब कटिंग यहाँ पे हमारा हो चुका है, अब हम इसको आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो पिनिंग लगा हुआ है दोस्तों, पहले पिनिंग को निकाल लेते हैं फटाफट और पिनिंग निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से कटवर्क वाला डिजाइन बाजू पे आप बर्फी वाला कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है, मैंने आपको बता दिया है कपड़ा कितना लेना है, पेस्टिंग कितना लेना है, उसके बाद कटिंग कितने करना, नाप कैसे लगाना, क्या करना, बिल्कुल बारीकी से सब कुछ बता दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी इसको कटिंग कर लीजिएगा और कटिंग करने के बाद मैं आपको पेस्टिंग करना भी बताएंगे। पेस्टिंग करने के बाद आपको लगाना और कहां से कैसे लगाना सब कुछ बिल्कुल बारीकी से बताने वाले हैं, देखिए वीडियो को पूरा। जी दोस्तों देखिए, ये हमारा कपड़ा है और हमें इस कपड़े पे इसको पेस्टिंग करना है। तो पहले हमने जो अस्तर हमारा है या जो भी आपके पास कपड़ा है, फैब्रिक हो, अस्तर हो, जो भी हो, उस पर पेस्टिंग करना है, ठीक है। और अच्छी तरीके से पेस्टिंग करना है, ये जो कहते हैं कि खुले ना, या जैसे कि बहुत जगह छूट जाता है पेस्टिंग, अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। तो दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से पेस्टिंग कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमें इसको पलटना होता है और कोना भी है इसमें ना। अगर अच्छी तरीके से आपको पेस्टिंग चिपकेगा और अच्छी तरीके से इसको पेस्ट कर लोगे तो दिक्कतें नहीं आएगी आपको कभी भी बनाने में। यहां पे पूरी जानकारी कोई नहीं देता, मैं दोस्तों आपको फुल जानकारी देता हूं और सही बात बताता हूं। आप लोग बनाएंगे फिर आपसे सही नहीं बनेगा तो फिर आप लोग घबरा जाएंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो को पूरा देखिए और प्रॉपर एक एक बात बताऊंगा कहां पर क्या दिक्कत आती है, जो दिक्कत हमें आती वो दिक्कत आपको ना आए। यहां पर इसीलिए मैं आपको बारीकी से बताता हूं, हमें जो फीलिंग आती है, जो हमारे साथ दिक्कतें होती है, वो आपको ना आए, क्योंकि पेस्टिंग हमने कम किया तो हमारा अच्छा नहीं बना। फिर हम आपको बताएंगे भाई आपको पेस्टिंग अच्छे तरीके से करना है, इसलिए आपको अच्छा से बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों पेस्टिंग करके हम आ गए हैं अपने मशीन पर, यहाँ पे हमें इसको कर लेना है फोल्ड। तो दोस्तों जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको सेम फॉलो करना है, वीडियो को पूरा जरूर देखना है, ठीक है। वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तो बारीकी से सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा जेन्युइन कंटेंट आपको कोई नहीं देने वाला है। मैं आपको हकीकत में सब कुछ बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने पेस्टिंग अलग किया तो आपको दिखाया नहीं, हमने कटिंग किया तो आपको दिखाया नहीं, हमने जब मैं बनाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, बारीकी से दिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। देखिए इस तरीके से आपको भी बनाना है, ठीक है। अगर आप बनाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मुझे कि कटवर्क वाला डिज़ाइन बनाना है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक डिज़ाइन बनाया था जो कटवर्क का डिज़ाइन था, साइड में कटवर्क डिज़ाइन था, गले में था और बाजू में था। अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा तो वीडियो जाकर अभी देख लीजिए, पूरे सूट में कटवर्क है, चारों पल्ले में कटवर्क है दोस्तों। तो आपको सेम उसी तरीके से मैं आपको बारीकी से सब कुछ बताने वाला हूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं छूटेगा दोस्तों, जेन्युइन चीज़ दोस्तों। अगर आपको यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ पाइपिंग भी लगा रखा है मैंने, अगर आपको पाइपिंग लगाना नहीं आता तो मैं पाइपिंग के लिए एक वीडियो एक्स्ट्रा बना दूंगा,
और फिलहाल मैं अभी आपको यहाँ पे जो बर्फी वाला पीस का जो सेंटर है, जो कटवर्क है, वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे पहले आप प्रेस पे आ जाना। प्रेस पे आने के बाद यहाँ पे सेंटर आपको बना लेना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, वैसे वैसे आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप मशीन पर बैठे बैठे सारा काम कर लो, नहीं। आपको अच्छी तरीके से जो भी जोड़ जाड़ा लगाना है बाजू में, लगाने के बाद मशीन आपको प्रेस से अच्छी तरीके से क्रिच बना लेना। जैसे मैंने ये क्रिच बना रखा है, ठीक है, सेंटर का। अब उस सेंटर पे हमें यहाँ पे लगाना है, तो ऊपर से हम यहाँ पे नापेंगे, 3 इंची छोड़ देंगे यहाँ से। ये देखिए, 3 इंची छोड़ने के बाद यहाँ पर एक चौक मिट्टी का निशान लगाएंगे, और चौक मिट्टी का निशान लगाने के बाद यहाँ से इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम एक कच्चा मारेंगे सीधा, और सेंटर पर रख करके एक कच्चा 3 इंच ऊपर छोड़ देंगे, उसका सीधा कच्चा मारेंगे सेंटर पर यहाँ पर इस तरीके से। और आपको भी सेम इसी तरीके से कर लेना है, बस ये हो गया। अब इसको बाद यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा राउंड करना है, जिससे हम इसमें बर्फी को शेप दे पाएँ। उसी तरीके से इसको यहाँ पे बनाना है, इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पे सुई निकाल देना है, और फिर यहाँ पे इस तरह से चलाना है, फिर यहाँ पे हल्के से पॉइंट बनाना है, और पॉइंट बना करके फिर यहाँ पे ला करके आपको इस तरीके से रोक देना मशीन को। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और इसी तरीके से फार्मूला हम फटाफट कर लेते हैं सारा। तो ये फटाफट इसको करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमारा जो बाजू है बनके रेडी हो जाता है, और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन लगता है दोस्तों। ये जब आप पहनेंगे तो मतलब स्क्रीन शो होता है, जो आपका स्किन बाजू का होता है मसल्स से, वो आपको अच्छा सा लगता है, मतलब दिखने में अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से डिज़ाइन आप बनाइए और पहनिए। और चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे लेटेस्ट वीडियो आपको ले लाता रहूँ। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन मैं आजकल ला रहा हूँ, और वीडियो भी अच्छे तरीके से ला रहा हूँ, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। मैं यही चाहता हूँ, अगर मैंने आपको अच्छे तरीके से सिखा पाया हूँ, तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। यही मैं चाहता हूँ आपसे, यही से आपसे यही उम्मीद है हमारी, ठीक है दोस्तों। और मैं आपके लिए हमेशा इसी तरीके से डिज़ाइन और कटिंग, बहुत सारे जो है वीडियो हमारी आती रहती है। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपकी बहुत ही बेनिफिट होने वाला, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी छुपाया नहीं जाता, सब कुछ आपको बताया जाता है दोस्तों। अदर वीडियो आप देख लीजिए, कोई पेस्टिंग करना नहीं बताता, कोई चिपकाना नहीं बताता, कोई कटिंग करने बताता, तो कोई आधी बात नहीं बताता। तो मैं आपको सब कुछ बारीकी से यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर कटवर्क कर लेंगे फटाफट, और आपको भी इसी तरीके से कटवर्क कर लेना है यहाँ पर। ये देखिए, अभी यहाँ पर और बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरह से कटवर भी कर लेना है फटाफट, और कटवर करने के बाद यहाँ पे चटका भी लगाना होता है, तो आपको भी चटका लगाना है। अब यहाँ पे चटका हमने लगा लिया है, सारा कटिंग इसको फटाफट पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से इसको पलटना है, किस तरह से इसको बैठाना है, सब कुछ बताऊँगा यहाँ पर दोस्तों। बस देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये हो गया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सारा हमारा तो कटवर्क हो जाएगा, जो कोना कोने पर है हल्का हल्का यहाँ पर चटका मार लेना है, क्योंकि पलटने में दिक्कत ना है, और अच्छी तरीके से बैठ भी जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सब जितना भी कोना है यहाँ पे चटका मार लेना है, इस तरीके से आराम से डिज़ाइन बनाइए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। बस पेस्टिंग आपका उखड़ने न पाए, यानी कि अच्छी तरीके से पेस्ट हुआ रहेगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो पेस्टिंग जो है आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, बस यहाँ पर इस तरह से पलट देना है, और इस तरीके से पलटने के बाद ये सारा हम फटाफट इसको कोना जो है पकड़ के अच्छी तरीके से पलट देंगे। और अच्छी तरीके से पलटने के बाद देखिए, इसको बैठाना भी है, इस तरह के नहीं किसी पलटने से वो काम हो जाएगा, क्योंकि कोना नहीं मिलेगा तो फिर वो डिज़ाइन नहीं बन पाएगा। देखिए, ये देखिए, इस तरीके से आपको इसको मिला लेना है यहाँ पर, इस तरीके से मिला लेना है, और इसको भी मिला लेना है, और इसको भी मिला लेना है, सारे कोने को अच्छी तरीके से आपको मिला लेना है। और फटाफट इसको मिला लेते हैं, तभी मैं आपको बता पाऊंगा सही तरीका क्या होता है। ये देखिए, ये हो चुका है। अब यहाँ पे हमें बीच में जो वहाँ पे पॉइंट है, वहाँ पे हमें टाकी लगाना, वो भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ पहले। ये देखिए, यहाँ पे रखना, यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे शो के लिए मैं बटन भी आपको लगा के दिखाऊँगा, और आप भी बटन लगा सकते हैं यहाँ पर, अच्छे से ब्रॉच लगा सकते हैं, बटन से लगा सकते हैं, और क्रिएटिविटी जो भी है आप यहाँ पे कुछ अलग से कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों जो अभी हमने कटवर्क बनाया है, इसमें आप चाहें तो पाइपिंग का भी यूज कर सकते हैं, इसमें आप गोटा पत्ती का भी यूज कर सकते हैं अगर चाहें तो, बट हमने इसको सिंपल ही रखा है। यहाँ पे दो बटन लगेगा, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर बटन से लगेगा। ये लगभग हमारा देखिए इसमें बन चुका है, ये फाइनल लुक हमारा ये आएगा। देखिए अब क्या करना होता है, यहाँ पे हमारा सारा बन चुका है, यहाँ पे जो लुक आएगा वो आएगा हमारा, यहाँ पे दो बटन से है यहाँ पे, और ये दो बटन से यहाँ पे हमें लगाना है। देखिए इस तरह के बटन आप भी ले लेना, फैंसी बटन, और इससे भी अच्छा बटन आपको मार्केट में मिल जाता है, तो आप उसको लेकर के यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो जो अपने हमारा अपलोड हो उसमें आपको मिल पाए। दोस्तों इस कुछ तरीके से इस तरीके से हम डिज़ाइन आपको बताते हैं, ताकि आपको प्रॉपर बात पता चल जाए।